तो यहाँ पर अभी मम्मी की मेहंदी जो है वो लग गई है। ये बहुत ज्यादा सुंदर झूल रही है। मेरा एक हाथ लग चुका है मेहंदी का। अबे मेहंदी ऐसी दिखते हैं। पहले मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब एकदम ना गाड़ी गाड़ी रचने लग गई है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो मैं शगुन की मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे एक इवेंट के लिए निकलना है और जाना है रोहतक। इतनी दूर तो 2-2.5 घंटे वहाँ लग जाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मेहंदी लग जाए। भैया सुंदर सी लगा दो, मोटी मोटी सी लेकिन जल्दी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी जो है वो लग रही है, और मैंने ना भैया को ऐसे तो बोला था कि भैया जल्दी जल्दी लगा देना, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी लगा देंगे। मुश्किल से 10 मिनट हुआ बैठे हुए, 10 मिनट में जैसे जैसे कशिश ने मुझे प्रसाद खिलाया उतनी देर में तो भैया ने दोनों हाथ मेरे कंप्लीट भी कर दिए। मगर ये बढ़िया, अब जल्दी से सेका लूंगी और इस जैसी सूख जाएगी पीछे की लगवा लूंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और इजीली निकल पाऊंगी मैं अपने काम के लिए। मेरे मेहंदी नहीं क्या था हाथा विच मेरे, अरे फिर से भी स्टार्ट। मेरे हाथा विच मेहंदी दा रंग चढ़ा है, मुझे सपनों सारा महबूब मिला है। इसी को देख लो, महबूब मिल गया इसको, बता नहीं रही हमारा जीजा कौन है। अरे अगले साल शादी, अभी तो कोई नहीं मिला मुझे। भी अगले साल शादी मैं भी इंतजार कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं इंतजार करने की। तो भाई मासी की भी मेहंदी लगने लग गई, मेरी तो 10 मिनट में भैया ने फारिक कर दिया। देखो मुझे भैया कह रहे तुम फारिक हो सबसे पहले जा करके। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। लेकिन मेहंदी बहुत सुंदर लगाई है भैया ने। मैंने ये नहीं भरवाया, ये मैं रात को भर लूंगी, क्योंकि ये सूखते नहीं इतनी जल्दी और मुझे जल्दी सुखाना है। सो गाइस अभी जो है वो मेरी मेहंदी लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी सुखाने के लिए ताकि पीछे लग सके, तो मैंने लौंग का यहाँ पे सेका ले लिया साथ साथ ही। अब मुझे नहीं पता रचेगी नहीं रचेगी, लेकिन मैं एटलीस्ट अपनी साइड से जल्दी सुखा लूं वो ज्यादा बेटर है। मेरी पैंट थोड़ी लग रही थी, मेरी पैंट सुंदर लग रही थी, मेरी पैंट ये बात नहीं ये कुछ ज्यादा ही प्यार। सो गाइस यहां पर जो है वो मेहंदी हो चुकी है मेरी बैक की स्टार्ट, और फ्रंट की मैंने जल्दी से लॉन्ग के सेके से ना सुखा ली थी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए काम, क्योंकि मुझे निकलना है बहुत जल्दी और मुझे चेंज भी करने हैं अभी कपड़े, तो इसीलिए कशिश तो हेल्प करा दो मेरी। ओके सिर्फ कशिश रहेगी, इसके बाद मेहंदी वाली सिम्मी की भी रहेगी, मासी की लगे, मम्मी भी रहेगी अभी, तो मम्मी भी रहेगी, तो पीछे संभाल लियो मेरा, वीडियो लियो टेक्स। ओके डन। एक हाथ लग चुका है, दिखाओ। मेरा एक हाथ लग चुका है मेहंदी का। अबे मेहंदी ऐसी दिखते हैं। तो यहाँ पर अभी मम्मी की मेहंदी जो है वो लग गई है। दिखाओ मम्मी, क्या बात है, सही है, मजा आ गया। पीछे की क्यों नहीं लगाई, अभी गीली है ना, क्या गीली है, सूख जाएगी तभी लगाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक। तो भाई मेरी मेहंदी देख लो, मैंने तो आगे पीछे सब जगह की सुखा दी पहले ही। तू कब लगवा रही है? तू क्यों अपने मुँह छुपा रहे, तू दुल्हन है देखना। दुल्हन की भाई बहन हूँ यार, डांस तो कर लो, तुम मेहंदी लगवा रहे हो ऐसे नहीं यार, कोई गाना वाना लगा के डांस करो भाई, फिर है भाई। पहले लगने तो दे मेहंदी, फिर मैं चली जाऊंगी, तब तुम मैं डांस करते रहना है ना। तो यहाँ सभी लोग मेहंदी में बिजी हैं, और मेरा आउटफिट अब आया है पूरी मेहंदी लगने के बाद। मम्मी मुझे अभी पहनना था, सत्संग भी है और कल मेहंदी की रात भी तो है। अच्छा हमने तो एक दिन पहले करवा ली, लेकिन दूसरे भी तो लगाएंगे। तो भाई मेरा आउटफिट आ गया, इसको खोलती हूँ मैं, कैसा आया मेरे को भी तो पता लगे, इतने बड़े डब्बे में क्या भेज दिया है सब। देख लो आउटफिट अब आया है, जा करके जो पहनना था स्कर्ट और ईयर रिंग वो, लेकिन अब कल पहन लेंगे। सही टाइम पे आया, मेहंदी तो कर ली है मेन, तो मैंने तो लगा ली ना। आज वीडियो तो तब बननी चाहिए जब मैंने लगा ली थी मेहंदी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कल वो करेंगे। लेकिन आउटफिट बहुत ज्यादा सुंदर है, इसको मैं भी ट्रायल नहीं कर सकती, रात को करूंगी। दुल्हन की मेहंदी भी लग चुकी है यहाँ पे, दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन पूरी की पूरी। मासी आपकी लग गई, सुंदर लग रही है भाई। मेरी भी लग चुकी है, मेरी पता नहीं क्यों उतर गई है यार, मेरी मेहंदी उतर गई। तो बहन उतरेगी सूखने के बाद, मेहंदी उतरती है। हाँ। तो गाइस कल मैं चली गई थी किसी काम से रोहतक, और रोहतक से जैसे ही वापस आए रात को लेट हो गए थे, तो सो चुके थे, और कशिश भी गई हुई है सिम्मी के यहाँ पे डेकोरेशन कराने के लिए, हल्दी मेहंदी सब चीजों की। तो अभी देखो मेरी मेहंदी कितनी ज्यादा सुंदर रची है, पहले मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब एकदम ना गाड़ी गाड़ी रचने लग गई है, इतनी ज्यादा गाड़ी रची है मेरी मेहंदी। देखो मम्मी आपकी सही रची है, सही है आपकी, हमेशा ही गाड़ी रचती है मेरी तो थोड़ी देर, आपकी हमेशा थोड़ी देर, आपने हाथ भी धो लिए सब कुछ कर लिया, हाथ भी धो लिए, काम भी करना ही होता है वो तो, हाथ सही है। तो गाइस घर की ना हालत देखो, ये देखो ये भाई के कपड़े हैं सारे के सारे, डालने के डालना। मम्मी मैंने ज्वेलरी लाई थी लोगों को, वो दिखाने हैं ज्वेलरी का है, पता नहीं देखनी पड़ेगी कहाँ रखी।
देखो ना कहाँ रखी है। घर ना पूरा का पूरा खिल रहा हुआ है, पूरा का पूरा हर जगह लहंगे वहंगे हर चीज कुछ ना कुछ फैला ही हुआ है। तो मैं सोच रही थी आपको ना अपनी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दिखाओ जो मैं लेकर के आई मम्मी मेरी और कशिश के लिए। और मेरा अभी तक हल्दी का आउटफिट भी नहीं आया जो बहुत ज्यादा प्यारा मैंने स्टिच करवाने दिया था। और मेरा कल मेहंदी का आउटफिट भी इतना ज्यादा लेट आया, मैं खुद हैरान हूँ भाई, कुछ भी आउटफिट टाइम पे नहीं आ रहे। इस बार कई शादी मैं मिस ना कर पाऊँ इस चक्कर में। तो अभी मैं जल्दी से जो है ना, आज लास्ट डे है, कल शादी है, तो इसीलिए मैं मेहंदी का आउटफिट भी अपना मंगवाने वाली हूँ। सॉरी मेहंदी का आ गया, हल्दी का आउटफिट भी मंगवाने वाली हूँ और साथ साथ जो है वो अपना शादी का आउटफिट भी मंगवाने वाली हूँ जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये ज्वेलरी कशिश का लहंगा जो है ना थोड़ा सा ऊपर तक है, तो हमने उसको लाइट ज्वेलरी बोला ब्लू कलर में पहनने के लिए। और ये है मम्मी के गाउन के साथ की ज्वेलरी। और यहाँ पे ना दो हैं, ये बहुत ज्यादा सुंदर ज्वेलरी है। ये मैं खोलूंगी ना तो आपको बहुत बड़ी सी लगेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुंदर ज्वेलरी है। और एक ये वाली, ये बहुत ज्यादा सुंदर ज्वेलरीज है, ये मेरी अपनी लहंगे की है। मैं हमेशा ना दो ज्वेलरीज लेती हूँ लाइक कि मेरे पास ऑप्शंस रहे। तो वो भैया मुझे कहते हैं कि आप ले जाया करो, और कहते हैं कि बस तू देख ले तुझे जो डालना है तो अपने आप चेक कर लिया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस बार मैं ना लाइक लहंगा जो है वो मेरा, मैंने आप लोगों को बताया कि उस तरीके का थोड़ा सा कॉकटेल थीम का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं ना दोनों तरीके की रख लूँ। एकदम कॉकटेल वाली रखी है मैंने दोनों ज्वेलरीज, और साथ में उनके ब्रेसलेट्स रिंग इसके अंदर सब कुछ है। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊंगी तो ये सब खिलर जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर हमने पहले पैक कर दिया कि कल मेकअप आर्टिस्ट के पास जब जाना होगा उससे पहले बस ये डब्बा उठाएंगे और चले जाएंगे। कशिश आ गई है, कल से काम करके आ गई है। क्या काम करके आई है? काम करके आई है, बहुत सफाइयां करके आई है, बहुत गंदा रूम रखे थे। अच्छा पूरे तो तू सफाई करके आई है? घर में आज तक सफाई करी है तूने? घर में आज तक सफाई करी है? उधर जाके सफाई करके आई है? जब वाइट टाइल्स थी ना हमारी मम्मी घर से करती थी, अब पता चला। समझ में आया ना? मम्मी कैसे करती है? वो वाइट टाइल्स जैसे आप करते नहीं थे वैसे बढ़िया। नहीं तो पता चला ना कि मम्मी गर्मी में कैसे काम करती है, तुम लोगों को भी आदत पड़ी है। अब बता ना कैसा वहाँ पे? सब बढ़िया है, बहुत बड़ा हॉल है, रूम बहुत अच्छे लगा हुआ है, सब एसी एक लगा, लेकिन एसी की जरूरत ही नहीं है, वैसी बहुत ठंड है। अच्छा तो बहुत छत बहुत बड़ी है, नीचे का फ्लोर। तो आज रात हम वही रुकेंगे सारे? आज रात हम सारे वही रुकेंगे, डीजे नाइट करेंगे, पूरे सारे डांस करेंगे। मम्मी मैंने अभी काम कराना था यार अपना, मेरे नेल्स भी नहीं हुए हैं। करवाए हो ना बेटा जल्दी, अभी है पुराने हैं। ये देख काली रची सबकी सबकी है, मेरी से ऐसे काली हो गई। नहीं मेरी है, मेरी ज्यादा है, मेरी ज्यादा है। गाइस आप कमेंट करके बताना किसकी ज्यादा है, क्योंकि देख तेरी वाली जो है ना, तेरी वाली से ज्यादा मेरी, इसलिए क्योंकि तेरे में भरा हुआ है तो तुझे काली लग रही है, मेरे में थोड़ा खाली खाली डिजाइन है। भैया से अभी काम करवा लिया, इतनी देर बैठा करके भैया को, और मेरा भी हो गया और कशिश तेरा भी हो गया ना। लेकिन भैया ना इंसाफी कर रहे हैं, भैया मेरी डबल सिलाई कौन लगाएगा, पैसे इक्वल ले रहे हो, ना इंसाफी मेरे साथ कर रहे हो। भैया उसके पैसे भी मैं देती हूँ पता है, वो खुद के पैसे नहीं देती। तो भैया मेरा वाला पहले ज्यादा अच्छे करो, चल झूठी भैया मेरा वाला भी ढंग डबल सिलाई करके दो। अब टाइम नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। हाँ तू आती रही हो, तेरा नहीं यहीं फेर दूंगी, यहीं पे सब कुछ। शॉप्स बंद है नाम नवमी के चक्कर में, अब कहाँ से करवाएं हम, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से करवाएंगे, अब क्या करें पता नहीं आ रहा। तो रामनवमी कोई भी नहीं खुली होगी, ज्यादा चीजें। मेरा वेडिंग आउटफिट भी आ चुका है यहाँ पर, और ज्वेलरी भी हमने रख ली है। कशिश yes. चल यार जल्दी चल, सत्संग के लिए ना हमारे को कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल गया है। ये मैंने काफ्तान खरीदा था काफी टाइम पहले, बहुत टाइम पहले मैंने ये खरीदा था, तो मैं इसको ना हल्का ठीक करा के आते हूँ अगर ये हुआ तो, वरना मैं कुछ पुराना डाल लूंगी। चल जल्दी चल। तो गाइस फिलहाल अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम लोगों को रेडी होने जाना है सत्संग के लिए, कॉकटेल के लिए, हर चीज के लिए रेडी होने जाना, फंक्शन शुरू हो चुके हैं। तो अब बस जल्दी से रेडी होंगे, आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय बाय।